शुरू करवाते हैं। हरियाणा विधानसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक, तो बड़ी जानकारी। बजट सत्र से पहले एडवाइजरी कमेटी की अहम बैठक, तो आपको बताएं कि बैठक अपने आप में काफी खास भी देखी जा रही है। दोपहर 3 बजे विधानसभा स्पीकर की अध्यक्षता में बैठक होगी। बजट सत्र की अवधि और सत्र के बिजनेस को लेकर चर्चा होगी। सीएम मनोहर लाल, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद रहेंगे। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी बैठक में शामिल होंगे। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रवि कालीरमन जुड़ गए हैं। रवि, कितनी खास ये बैठक देखी जा रही है और क्या मायने लगाए जा रहे हैं इस बैठक के? रवि, आप हमें सुन पा रहे हैं? रवि, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? तो चलिए फिर से संपर्क हम साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता देते हैं कि बजट सत्र से पहले एडवाइजरी कमेटी की अहम बैठक होगी। सीएम मनोहर लाल इस बैठक में मौजूद रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। दोपहर 3 बजे विधानसभा स्पीकर की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। तो बड़ी जानकारी बता रहे हैं आपको, बजट सत्र की अवधि और सत्र के बिजनेस को लेकर चर्चा होगी। सीएम मनोहर लाल, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहेंगे। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रवि कालीरमन लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। रवि, इस बैठक को लेकर जानकारी चाहूंगी, इस बैठक के क्या मायने लगाए जा रहे हैं? बिल्कुल साधना, देखिए हरियाणा में बजट सत्र से पहले आज पीएसी की बैठक जो है वो होने जा रही है। दोपहर 3 बजे विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की अध्यक्षता में ये बैठक होने जा रही है। बैठक में बजट सत्र की अवधि, कितने समय के लिए बजट सत्र जो है चलेगा, और इसमें साथ ही बिजनेस को लेकर चर्चा होगी। क्या क्या बिजनेस, कितना बिजनेस इस बजट सत्र के दौरान आया है, कितने स्टार्ट क्वेश्चन है, कितने अनस्टार्ट क्वेश्चन है, कितने जो काम रोको प्रस्ताव लगाए गए हैं, कितने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लगाए हैं, तमाम बातों पर चर्चा की जाएगी। बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, संसदीय कार्य मंत्री कंवर पाल गुर्जर, डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा भी मौजूद रहेंगे। तो बीएसई की मीटिंग का मतलब सीधा सा यही है कि कितने दिन की सत्र की अवधि रहने वाली है, इस पर चर्चा की जाएगी, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष के तौर पर इस बैठक में शामिल होंगे। ठीक है रवि, अगर बात मैं ये करूं कि जब बजट 2 मार्च को पेश होगा, हालांकि जो एजेंडा है सरकार की तरफ से तैयार कर लिया गया है कि किस वर्ग को कितनी राहत देनी चाहिए? बिल्कुल साधना, देखिए 2 तारीख से जो है सेशन की शुरुआत होगी और राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सत्र की जो है वो शुरुआत होगी। बजट किस दिन पेश होगा इसकी तारीख का ऐलान जो है आज जो बीएसई की बैठक होगी उसमें तय किया जाएगा कि कब है। सूत्रों की अगर माने तो 7 तारीख को बजट पेश हो सकता है और तमाम जो तैयारियां थी सरकार की वो सरकार ने पूरी कर दी है। ऐसे में तमाम वर्गों को साधने का प्रयास किया जाएगा, चाहे वो किसानी क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे वो हेल्थ का हो, कोई भी सेक्टर हो, तमाम सेक्टरों को साधने का प्रयास मुख्यमंत्री बतौर वित्त मंत्री के तौर पर करेंगे। और ऐसे में अपने आप में एक खास बजट सत्र इस बार का रह सकता है। खास बजट इस बार जो है वो पेश किया जा सकता है, क्योंकि तमाम जो मंत्री हैं, तमाम जो एमएलए हैं, तमाम जो एमपीज हैं, उनसे सलाह मशवरा किया गया था, उनसे सलाह मांगी गई थी, उनसे
राय मांगी गई थी कि आप अपनी अपनी जो राय है वो लिखकर भेजिए, अगर आपकी राय बजट में जो है इम्प्लीमेंट करने लायक होगी तो हम उसको जरूर इम्प्लीमेंट करेंगे।